हेलो गाइस, आई एम शुभम एंड वेलकम अगेन ऑन द ट्रेंडिंग टेक। आज के वीडियो में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट खबरें, तो आइए देखते हैं। अब तक फोल्डेबल स्मार्टफोन स्पेस में सैमसंग, हुएवी और हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने दिलचस्पी दिखाई है, और अब तक के सिर्फ एक ही मोबाइल कंपनी सैमसंग ने अपना फोल्डेबल फ़ोन कमर्शियली लॉन्च किया है, और हुएवी से उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक के वो भी अपना मेट एक्स लॉन्च कर देगी। बट अब एक नया कंटेंडर भी इस रेस में शामिल होना चाहता है, वो है मोटोरोला। मोटोरोला ने एक मीडिया इनवाइट भेजते हुए ये हिंट दिया कि 13 नवंबर तक वो भी अपना रेजर फोल्डेबल फ़ोन लॉन्च कर सकती है। अगली खबर है, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप टिकटॉक ने अपना नया ई लर्निंग इनिशिएटिव ऐप लॉन्च कर दिया है। चाइनीज टेक स्टार्टअप कंपनी बाइट डांस ऑन टिकटॉक ने कहा कि उनका एम एजुकेशन रिलेटेड शोज जैसे फिटनेस, न्यूट्रिशन, स्पोकन इंग्लिश और भी कई सारे चीज़ों के साथ इंडिया में ई लर्निंग फील्ड में रिवोल्यूशन लाना है। टिकटॉक ने यह भी अनाउंस किया कि वो कई सारे होम ग्रोन ई लर्निंग इंस्टीट्यूट जैसे टॉपर, मेड इजी और ग्रेडअप के साथ भी टाई अप कर सकती है। अवर नेक्स्ट न्यूज़ इज़, Xiaomi ने ये कंफर्म किया कि वो एक नया AMD पावर्ड Redmi Book 21 अक्टूबर तक ला रही है, और ये उन्होंने एक ऑफिशियल पोस्टर के थ्रू बताया जिसमें एक Redmi Book सीरीज AMD R5 3500U प्रोसेसर से पावर्ड है। मूविंग ऑन, इंडिया में Redmi Note 8 और Note 8 Pro के लॉन्च के साथ साथ ही Xiaomi ने इस बात की भी पुष्टि कर दी है कि MIUI 11 इंडिया में मैसिव पोर्टफोलियो के लिए अवेलेबल होगा। कंपनी ने रिवील किया कि टोटल 28 Xiaomi और Redmi डिवाइसेस को अगले दो महीनों में MIUI 11 अपडेट्स मिलेंगी। नेक्स्ट इज, गूगल ने ऑफिशियली न्यूयॉर्क में अपने मेड बाय गूगल हार्डवेयर इवेंट में अपने नए फ्लैगशिप को रैप कर दिया। गूगल पिक्सल 4 गूगल के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले सबसे ज़्यादा फीचर्स वाले पिक्सल्स में से एक है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन यूजर्स इस पर अपने हाथ नहीं जमा पाएंगे। गूगल पिक्सल 4 इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं होगा। ये आप में से कई लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ होगा, बट इट्स ट्रू। अगर आप इसके रीज़न के बारे में सोच रहे हैं तो ये इसके एक फीचर के कारण ही है। कंपनी ने इसके टॉप बेजल में एक सॉलिड रडार चिप दिया है जिससे यूज़र्स के लिए एक हैंड वेव के द्वारा म्यूज़िक ट्रैक चेंज करना, प्लेबैक कंट्रोल करना और इनकमिंग कॉल को साइलेंट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, वो भी बिना स्क्रीन को टच किए। ये सॉली रडार चिप 57 से 64 GHz यानी वी बैंड फ्रीक्वेंसी रेंज में काम करता है, जो कि फ़िलहाल इंडियन यूज़र्स के लिए अलाउ नहीं है। और अगर आप इसे ओवरसीज से ख़रीदते हैं तो इंडियन लोकेशंस में इसके मोशन सेंसर्स ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और टेक रिलेटेड न्यूज़ और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।